आज यहाँ पे किसान पंचायत रखी है श्री हरपाल सिंह बिलारी जी ने, और जो आंदोलन देश में चल रहा है उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जागृति पैदा करने के लिए कि हम क्यों लड़ें, हम आंदोलन में क्यों जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अच्छी पंचायत यहाँ पे हुई है और पूरे देश में ये पंचायतों का दौर जारी है। अब हरियाणा पंजाब से हमने कम कर दी, और जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें अब हम लगातार जो है वो पंचायतें कर। लगभग 3 माह हो चुके हैं किसानों को दिल्ली सीमा पर डटे हुए, लेकिन सरकार अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, क्या? देखिए, आज 100 दिन हो गए हैं और सरकार, आपका सवाल ठीक है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन देश का किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इन 100 दिनों के अंदर जहाँ ये आंदोलन पहले थोड़े क्षेत्र में था, अब वो फैलता हुआ पूरे देश के अंदर फैल गया है। और जो पूरे देश के अंदर आंदोलन का फैलना है वो सरकार के लिए जो है वो नुकसानदायक होगा, और बीजेपी की जड़ें ये आंदोलन को खेड़। अच्छा जी, मेरा सवाल है, आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है मुजफ्फरनगर पहुँचे, उन्होंने कृषि कानून के जो है किसानों को लाभ बताए हैं, उनको ज्ञान नहीं होगा। जब हम ये कह रहे हैं, जब जिसके लिए कानून बनाया उनको लाभ बता रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमें नहीं ये लाभ चाहिए, वो हमारी जबरदस्ती लाभ देना चाहते हैं क्या? और दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है। इन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे, 1 रुपया आया क्या? इन्होंने कहा GST के बड़े फायदे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहे। इन्होंने कहा नोटबंदी के बड़े फायदे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहे। इन्होंने कहा देश को बेचने के बड़े फायदे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहे। ये कर क्या रही है देश का? ये झूठ के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। और अब वो काठ की हांडी जैसे बार बार नहीं चढ़ती, अब इनकी ये बातें चलने वाली नहीं है। अब देश के लोग जो हैं इनकी झूठ को समझ, सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने मंच से खुला ऐलान किया है कि मुझसे कोई भी आके किसान नेता बहस कर सकता है, मैं उसे किसान बिल के बारे में फायदे दे। किसने ऐलान किया? संजीव बालियान ने। संजीव बालियान ये बताएं कौन सी स्टेज पे आ रहा है, मैं जाता हूँ। संजीव बालियान स्टेज बता दें कौन सी स्टेज पे जाना है, मैं जाता हूँ। और वो मैं नहीं, जिसको वो हाथ लगा दें, जिस नेता का वो हाथ लगा दें, वही नेता जाने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी मंच से जो है किसानों ने पतंजलि सामान खरीदने का बहिष्कार किया, इस पर आप अकेले पतंजलि नहीं, अंबानी का, अडानी का और रामदेव का जो भी प्रोडक्ट है इनका सबका बहिष्कार करें। इन्होंने देश को खा लिया। आज जो स्वदेशी के नाम पे आया, आज देश के 5वें नंबर का अमीर बन गया। अरे जब देश को लूटना ही है, फिर देसी लूटे या विदेशी लूटे, फिर तो बात उसकी उल्टी होगी कि देसी पे लूटो। और ये जो लुटेरे होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते, ये ना देश के होते हैं ना विदेश के होते हैं। ये जो कंपनियां हैं ये तो अपना फ़ायदे की होती हैं, इनको ना इंसानियत से पूछे ना देश से पूछे। अच्छा, प्रियंका गांधी जो है यूपी के लगातार दौरे कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। देखिए, राजनीति वाले तो सभी राजनीति ही करते हैं, वो तो जो भी उनको मुद्दा मिलता है उसको बनाते हैं। और कोई भी है, चाहे वो प्रियंका गांधी है या कोई और दूसरा तीसरा है, लेकिन मैं उनसे ये बेनती करना चाहूँगा कि विपक्ष को अपनी भूमिका दमदार तरीके से जरूर निभानी चाहिए।